गुजरात गवर्नमेंट लॉन्चेज यूनिक इनिशिएटिव अम्ब्रे आंगनवाड़ी टू हेल्प द चिल्ड्रन ड्यूरी लॉकडाउन। विच स्टेट हैज स्टार्टेड द अम्ब्रे आंगनवाड़ी टू हेल्प द चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए किस राज्य ने उम्रे आंगनबाड़ी शुरू की है? तो गुजरात, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, सीएम विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, राष्ट्रीय पुष्प मैरीगोल्ड है और राष्ट्रीय सॉरी राजकीय पुष्प जो है वो मैरीगोल्ड है और राजकीय फल जो है वो आम है। वोडाफोन आइडिया टाइज अप विथ पेटीएम टू लॉन्च रिचार्ज साथी। रिचार्ज साथी इज लॉन्च्ड बाय रिचार्ज साथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये वोडाफोन आइडिया दोनों पेटीएम के साथ जुड़े हैं और ये रिचार्ज साथी की स्थापना मतलब लॉन्च किए हैं। द प्रोग्राम इज इनेबल एनी पेटीएम कस्टमर फॉलोइंग अ रजिस्ट्रेशन टू स्टार्ट सेलिंग वोडाफोन एंड आइडिया रिचार्ज ऑन पेटीएम। कोई भी कस्टमर जो पेटीएम पे रजिस्टर्ड है वो वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज और सेलिंग कर सकता है। चाइना टू होल्ड इट्स एनुअल पार्लियामेंट सेशन फ्रॉम May 22। चाइना जो है राष्ट्रीय पार्लियामेंट सेशन 22 मई से बुलाया है। गवर्नमेंट अपॉइंट्स द त्रिमूर्ति एज द इनवॉय टू यूएन। यूएन में प्रतिनिधि के लिए त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया है भारत सरकार ने। गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड द TS त्रिमूर्ति एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। गवर्नमेंट अपॉइंट किए हैं त्रिमूर्ति को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन में। फिलहाल जो है वो सैयद अकबरुद्दीन है जो कि वो इनका चार्ज अब ख़त्म होने वाला है। ही विल टेक ओवर फ्रॉम द सैयद अकबरुद्दीन ऑन वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट प्रोमिनेंट डिप्लोमेट्स हु इज रिटायरिंग और रिटायर होने वाले हैं। हिज अपॉइंटमेंट टू द यूएन विल कम एट द इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन इंडिया विल बी इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 year टर्म इन 2021-22। बाई एनी कैलकुलस इंडिया क्वालिफाई फॉर UNSC परमानेंट सीट। इंडिया इज मेनी वेज इन अ सू जेनेरिस कंट्रीज। इट्स अ कंट्री ऑफ अ बिलियन प्लस। इट्स अ कंट्री विच इज अ डेमोक्रेसी परहैप्स द ओनली एग्जाम्पल इन हिस्ट्री ऑफ अ बिलियन प्लस पीपल वर्किंग टूगेदर इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। वी विल ब्रिंग टू इट दोज वैल्यूज एंड स्ट्रेंथ ऑफ बींग एबल टू वर्क कोहेसिवली अमॉन्ग डिस्पैरेट एंटिटीज। डैट्स आवर USP। वी ट्राई एंड वर्क आउट सॉल्यूशन वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज डैट विल कन्फर्म ऑल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्टेनली द सिक्योरिटी काउंसिल विल बी इशू विच आर बियॉन्ड बॉर्डर्स इशूज ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स वेदर इट इज इन केस ऑफ पब्लिक हेल्थ एज वी आर नाउ सीइंग इन द करेंट पैनडेमिक बट अदर इशूज फॉर एग्जाम्पल साइबर इशू। There are no regulatory mechanism or no rules on that, and that's another. Right to access internet not a fundamental right. JK tells Supreme Court. Padmasri Award and famous Bollywood actor Irfan Khan passed away at 53 years. As per the latest World Health Organization map, Aksai Chin is a region in Chin. Aksai Chin is a part of which Indian UT state? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नवीनतम नक्शे के अनुसार अक्साई चीन में दिखाया है। अक्साई चीन किस भारतीय UT राज्य का हिस्सा है? लद्दाख। मोडीज स्लैशेज इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेटेड टू हाउ मच फ्रॉम 2.5%। मूडीज ने भारत के विकास अनुमान को घटाकर 2.5% से घटाकर कितने कर दिया है? 0.2%। मूडीज स्लैश द इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेटेड 0.2% फॉर 2020 फ्रॉम 2.5%। वाट इज द ग्रांट डेट वॉज अप्रूव्ड टू गिव टू इंडिया एज लोन बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक टू कॉम्बैट द COVID-19। COVID-19 से निपटने के लिए एशियाई विश्व बैंक का द्वारा ऋण के रूप में भारत को ऋण देने के लिए भारत को क्या अनुदान देने की मंजूरी दी गई है? $1.5 बिलियन।
एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। फाउंडेड इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। फाइनेंशियल कंस्टीट्यूशन डेट वुड बी एशियन इन कैरेक्टर एंड फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉरपोरेशन इन वन ऑफ द पोस्ट पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। चरित्र और दुनिया में सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा। ए डी बी इज कम्पोज ऑफ 68 मेंबर्स, 49 ऑफ विच आर ऑफ देम एशिया एंड पैसिफिक रीजन। ए डी बी 68 सदस्यों से बना है जिसमें से 49 एशिया के हैं, एशिया और प्रांत क्षेत्रों से आते हैं। न्यू इज द बैंक 68 ओवरऑल मेंबर। हु हैज़ नेम्ड द US हेड कोच फॉर क्रिकेट। किसे क्रिकेट के लिए US हेड कोच नामित किया गया है? जे अरुण कुमार नेम्ड द US से हेड कोच। USA हेड कोच अनाउंस अरुण कुमार अज इट्स हेड कोच एंड सेड ही विल बी परमानेंटली बेस्ट इन द यूनाइटेड नेशन अज एंड वेन हीज वर्किंग वीजा हैज़ बीन ऑप्टेंड। विच स्टेट हैज़ एक्सटेंडेड इट्स कर्फ्यू टिल May 17। किस राज्य ने 17 मई तक कर्फ्यू को बढ़ाया है? तो पंजाब। पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर VP सिंह बदनौर। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसमें 22 जिले हैं। लोकसभा में 13 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है। नदी ब्यास सतलज नृत्य जो है भांगड़ा, गिद्धा, झूमर। हड़प्पन साइट जो है रोपड़ है। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरिलैक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज लोकेटेड। भारत में मापी विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। IMD रिलीजेज द न्यू नेम्स ऑफ अपकमिंग साइक्लोन इन द 13 कंट्री इंक्लूडिंग द अर्नब व्योम आग। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टूडे इशूड अ न्यू लिस्ट ऑफ नेम्स एंड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन। द लिस्ट हैज़ अ टोटल ऑफ 169 नेम इंक्लूडिंग 13 नेम ईच फ्रॉम 13 WMOESCAP मेंबर कंट्रीज। सम ऑफ द नेम ऑफ फ्रॉम बांग्लादेश इंक्लूडिंग अर्नव, निसारगा एंड उपकल एमोंग अदर, वाइल द नेम लाइक द आग, व्योम एंड गति हैव बीन चूजन फॉर इंडिया। IMD का चीफ है M. Mohapatra। गति तेज, मुसारू आग, व्योम झार, प्रभाव नीर, प्रभंजन घूर्णी, अम्बुड जलाधि एंड बेगा। 13 मेंबर नेशन इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड एंड द UAE एंड यमन। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द जगनाना विद्या देवान स्कीम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या देवेना योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अटेंड द फर्स्ट विच वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। किस केंद्रीय मंत्री ने पहले वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु परिवर्तन में भाग लिया है? प्रकाश जावड़ेकर। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी मस्ट बी ओपन सोर्स अवेलेबल एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। प्रकाश जावड़ेकर। द फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग वॉज द 11th सेशन ऑफ द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। इट हैज़ बीन होस्टेड बाई जर्मनी सिंस 2010। पहली आभासीय जलवायु वार्ता पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वीं सत्र था। इसकी मेजबानी जर्मनी ने 2010 से की है। माइकल रॉबिन्सन पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे? तो फुटबॉल से। माइकल रॉबिन्सन फॉर्मर लिवरपूल एंड ब्रिंगटोन स्ट्राइकर डाइज एज 61। रॉबिन्सन बिकम अ सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टर इन स्पेन। राफेल नडाल एंड एंड्रीज इनेस्टिया लीड्स ऑनलाइन ट्रिब्यूट। इंडिया लूजेज होस्टिंग राइट फॉर मेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आफ्टर BFI फेल टू पे होस्ट फी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA ग्रांटेड द होस्टिंग राइट टू सर्बिया आफ्टर द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फेल टू पे द
होस्ट फी फॉर 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप. इंडिया लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू सर्बिया आफ्टर द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अलेज्ड द नॉन पेमेंट ऑफ होस्ट फी बाय द नेशनल फेडरेशन. अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा राष्ट्रीय महासंघ द्वारा मेजबान शुल्क का भुगतान न करने का आरोप लगाने के बाद भारत ने सर्बिया को 2021 पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी का अधिकार मिल गया है. न्यूज़ ऑन टिप्स. फॉर्मर आंध्र बैंक चीफ सुरेश एन पटेल टेक्स चार्ज एज विजिलेंस कमिश्नर. ऑथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द न्यूली अपॉइंटमेंट द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी. पद की शपथ नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग संजय कोठारी ने दिलाई है. सीबीसी की स्थापना 15 फरवरी 1964 में हुई थी. इसका अभी चीफ है श्री के सनाथनन. इन 1998 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द सीबीसी बिल. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन है इसका भी श्री के सनाथन एंड द मोर नॉट मोर देन टू विजिलेंस कमिश्नर मेंबर. 1998 में सरकार ने सीबीसी विधेयक पेश किए थे. केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त सदस्य नहीं हैं. जल शक्ति अभियान बिगेन फॉर मॉनसून 1st July 2019. द जल शक्ति अभियान इज अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी इन द कंट्री. जल शक्ति अभियान देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए अभियान चला रहा है. COVID-19 इंडिया फैसिलिटेटेड द 150 million dollar फॉरेन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू मालदीव. इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड 150 million फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट टू मालदीव टू हेल्प द रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द वायरस. भारत ने इस वायरस के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए मालदीव को $150 million की विदेशी मुद्रा स्वैप सहायता दी है. वेन डिड मालदीव बिकम इंडिपेंडेंट. मालदीव कब स्वतंत्र हो गया और ये क्वेश्चन आप बताइए. इसके बाद विच ओशियन सराउंड्स द मालदीव. मालदीव किस महासागर से घिरा हुआ है. कर्नाटका. कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है. इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी. इसमें 30 जिले हैं. कृष्णा नदी जो है इसमें कृष्णा रिवर फॉल फ्लोइंग फ्रॉम महाबलेश्वर. महाबलेश्वर से कृष्णा नदी बहता है. कावेरी फ्लोइंग फ्रॉम ब्रह्मगिरी. कावेरी जो है ब्रह्मगिरी से बहता है. हम्पी फेस्टिवल मनाया जाता है. कमला फेस्टिवल मनाया जाता है. डोलू कुनीथा डांस यहाँ पे होता है. लोकसभा में 28 सीट है. राज्यसभा में 12 सीट है. इसके CM BS येदुरप्पा जी हैं. गवर्नर वजूभाई वाला है. विरूपाक्ष टेम्पल यहाँ पर है. बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत है इसका. चन्नापट्टनम टोयज रोबुस्टा कॉफ़ी मयसूर बेटला लीफ. राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट. बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर नेशनल पार्क है. बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रमुखी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे हैं. 1 अप्रैल उड़ीसा फाउंडेशन से. 5 अप्रैल नेशनल मेरीटाइम डे. 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे. 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे. 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे. 13 अप्रैल जालियांवाला बाग मैसेकर. 17 अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे. 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे. 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विस डे. 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे. 23 अप्रैल वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे. 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे. 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे जिसका थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन 26 अप्रैल. इसका थीम है इनोवेट
फॉर अ ग्रीन फ्यूचर और 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस।